मध्य प्रदेश के सिवनी का पैंच टाइगर रिजर्व एक बार फिर से टाइगर के शावकों की किलकारियों से गूंज रहा है। टाइगर रिजर्व की एक बाघिन ने हाल ही में 4 शावकों को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व में D15 कॉलर वाली बाघिन के नाम से पहचानी जाने वाली इस बाघिन ने 4 शावकों को जन्म देकर नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। कॉलर वाली बाघिन ने नवम्बर 2018 के शुरुआती हफ्ते में शावकों को जन्म दिया था और अपनी मान में इन्हें छिपा कर रखा था। 3 महीने होने के बाद बाघिन ने उन्हें अपनी मान से बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसके बाद कॉलर वाली बाघिन के साथ एक बार फिर से 3-4 शावक देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी अधिकारी एक शावक की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय गाइड और फोटोग्राफर शावकों की संख्या 3 से 4 होने की बात कह रहे हैं। इसी प्रकार से ये बाघिन कुल 30 शावकों को जन्म दे चुकी है। पैच पार्क की रानी कही जाने वाली इस बाघिन के गले में रेडियो कॉलर आईडी लगी होने की वजह से इसका नाम कॉलर वाली बाघिन पड़ा। टाइगर रिजर्व के टूरिज्म एरिया के बीचों बीच इस बाघिन की टेरिटरी होने के कारण पार्क में आने वाले पर्यटकों और प्रबंधन की रहती है। एक साथ 5 शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड भी कॉलर वाली बाघिन के नाम ही दर्ज है। सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड इसके पहले यह कीर्तिमान रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 23 शावकों को जन्म देने वाली मछली बाघिन के नाम था। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि कॉलर वाली बाघिन ने इस वर्ष भी जो है 3 शावकों को जन्म दिया है। वैसे तो 1 से लेकर 5 तक के शावक जन्म दे सकती है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि हर बार 3-4 3-4। तो ये हमारे मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में जो है वन विभाग के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस प्रकार की सूचना हमें प्राप्त हुई है। और ऐसा तभी संभव हो पाता है जब जो है मैनेजमेंट किसी भी अभ्यारण्य का अथवा किसी नेशनल पार्क का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, ताकि वहाँ पे कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, कम से कम मनुष्यों की गतिविधियाँ वहाँ पे कम हो और शेरों के लिए जो है बहुत ही अनुकूल वातावरण उस जंगल में मिले, तभी यह संभव हो पाता है, ताकि स्वच्छंदता से शेर जो है संसर्ग कर सके और जो है बच्चे पैदा कर सके। लगभग 24 से 30 का आकलन किया जा रहा है और यह जो है पेंच टाइगर प्रबंधन ही बता पाएगा कि एक्चुअल में कितने बच्चे अभी तक के कितने शावक जो है उन जन्म दे चुके।